नमस्ते जोजलप्पा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल प्रधान फुड सेट फ्यामिली ब्लगमा। र साथीहरू तपाईँहरू अब सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एक प्रकार राम्रै छु है। र आज चाहिँ म खास आउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ है तपाईँहरूले अब देखिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ अब रथयात्रा हाम्रो जुन चाहिँ 1 तारिकबाट लिएर चाहिँ 9 तारिकसम्म चलेको थियो। जुन 1 तारिक मैले त्यो ब्लग पनि हालेको छु हाम्रो रथयात्राको। तपाईँहरूले यदि हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो यता लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यही रथयात्रामा चाहिँ हाम्रो 9 दिन चाहिँ पुरै प्रोग्रामहरू चलेको थियो र 9 दिनमा चाहिँ भजन कीर्तनहरू सबै उयो भएको थियो है। र त्यसमा चाहिँ मैले प्रायः चाहिँ केही उसहरू चाहिँ खिच्न सकिनँ यस्तो कीर्तनहरू भएको चाहिँ। र त्यही 9 दिनको भित्रमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम एउटा नाटक पनि गरेको थियौँ है। जुन नाटकमा चाहिँ मैले पनि अब पार्टिसिपेट गरेको थिएँ त्यो चाहिँ म तपाईँहरूसँग अब सेयर गर्न चाहन्छु। र यो नाटक चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म चाहिँ मेरो लाइफमा कहिले पनि मैले यस्तो नाटकहरू चाहिँ खेलेको छुइनँ। अब डान्सहरू चाहिँ पहिला स्कुलको टाइममा गरेको हो तर नाटक चाहिँ खेलेको छुइनँ। र मैले लाइफको फर्स्ट उयसमा चाहिँ मैले यो नाटक खेलेको र मलाई एकदम राम्रो पनि लाग्यो। मेरो एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो पनि भयो है। र यही उसलाई चाहिँ अब मेरो लाइफको उयसमा पछि अब एज हुँदै गएपछि उयो हुँदै गएपछि चाहिँ पछि मेरो उयसमा यो रिमेम्बर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अब यो भिडियो पनि खिचेको छु। जुन भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु है। र अब हामीले यो भिडियो नाटक कस्तो के भएको छ तपाईँहरूलाई पनि अब देखाउन चाहन्छु। र कस्तो भएको छ तपाईँहरूले पनि तल गएर कमेन्ट गरिदिनु, अब राम्रो भयो भएन भनिदिनुहोस् है। यसमा चाहिँ मैले एउटा अब सानो एक्ट गरेको छु। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब भिडियो हेर्नुहोस्। अनेक सुमधुर लीलाएं की जैसे कि देखो आज फिर से हमारी मटकी टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। चलो आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया। अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है। आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या कान्हा ने माखन चुराया? परंतु वह तो प्रातः काल से यही है। कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाँ मैया। क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने और इनका माखन चुराया? आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं मैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। क्या राधा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है मैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। इसके पश्चात राधा रानी और सारी गोपियों ने माखन चोर कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने हेतु एक विशेष योजना बनाई। क्यों है घंटियां? अच्छा,
लगता है आज गोपियों ने हमारे आने की अच्छी तैयारी की है। मतलब जैसे ही हम माखन चुराने जाएंगे ये सारी घंटियां बजने लगेगी। चिंता मत करो, घंटियों के देवता। आपको भोग लगे मेरा बजना आवश्यक है। यशोदा मैया की डांट सुनकर कृष्ण, बलराम तथा सारे गोप अत्यंत निराश थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह गोपियों से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। कृष्णा, कैसे मिलेगा? हमारी तो चोरी पकड़ी गई ना, उन गोपियों ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। नहीं मित्रों, ऐसा तुमसे किसने कहा? वो रहा हमारा माखन। रुको, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो क्यों भला? हम यहाँ के राजा के प्रतिनिधि हैं। हमारे राजा को यह खबर मिली है कि कई लोग बिना कर चुकाए हमारे गांव में स्वयं के गांव का सामान बेच रहे हैं। तो यदि तुम्हें यहां से प्रवेश करना है तो तुम्हें यहां का कर चुकाना ही पड़ेगा। परंतु हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो तुम्हें यहां प्रवेश भी नहीं मिलेगा। परंतु अगर हमें यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा तो हमारे माखन का क्या होगा? माखन? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये माखन कहाँ से आया? माखन? नहीं नहीं, हम तुम्हें माखन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो हम तुम्हें प्रवेश भी नहीं दे सकते। इस तरह कृष्ण और उनके सखाओं ने माखन प्राप्त करने की नई योजना बनाई। परंतु उस ओर राधा रानी और उनकी गोपियों ने अपनी अलग ही योजना बना रखी थी।
माखन तो काफी सारा दिख रहा है। चलो चलो। सुनो, कर हमें नहीं तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ही सारी गैया हमारे ब्रज की कोमल घास खाती हैं, और अगर तुम्हें और तुम्हारे सारे मित्रों को इन रस्सियों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें संपूर्ण ब्रज में जाकर घोषित करना होगा कि वृंदावन की रानी है श्रीमती राधा रानी। तपाईँहरूले चाहिँ अब भिडियो हेर्नुभयो होला, हाम्रो ड्रामा हेर्नुभयो होला, के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो मन परेन, तपाईँहरूलाई मेरो एक्टिङ मेरो यो है अब मन पऱ्यो पनि नमन पऱ्यो पनि तपाईँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् राम्रो छ छैन। र अब यसको बादमा चाहिँ हामीले उल्टा रथ यहाँनिर चाहिँ अब 9 तारिकको दिन चाहिँ उल्टा रथ पनि भएको थियो है, उल्टा रथ पनि अब निकालेपछि त उल्टा रथ त गर्नै पऱ्यो, र त्यसको भिडियो पनि मैले बनाएको छु है, र यसको बादमा चाहिँ त्यो भिडियो आउँदैछ है, तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई पनि हेरिदिनुहोस्, मन पराइदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र जति सक्दो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस्। र यति नै भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यही नै अन्त गर्दछु। हवस् त, टाटा, बाइ बाइ, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।